आज मैं आपके साथ कन्या पूजन के लिए यानी कि कंजकों के लिए हलवे और छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी बनते हैं। हलवा और छोले के बाद मैं आपके साथ बिल्कुल नरम और बढ़िया पूरी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी काले चने लिए थे, उनको अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। तो सबसे पहले हम छोले बनाने के लिए, छोले बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम छोले डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर जितने भीगे हुए चने हैं उससे लगभग 3 गुना के करीब पानी डाल रही हूँ। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे ताकि छोले अंदर से भी नमकीन हो जाए, फीके ना लगे। और हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको लगभग 8 से 10 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और अगर आप चाहें तो 1 सीटी आने के बाद 15 मिनट के लिए गैस लो फ्लेम पर कर दें तो छोले रेडी हो जाएंगे। तो मैं 1 सीटी आने के बाद गैस को 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कर दूंगी। तो मैंने ये छोलों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक ये बॉयल हो रहे हैं हम हलवे की तैयारी कर लेंगे। तो हलवा बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 3/4 कप घी लूंगी। इसमें से 1 चम्मच घी बचा लूंगी बाद में हलवा भूनने के लिए। घी को गर्म कर लेंगे अच्छे से। 1 कप सूजी डाल दूंगी इसमें। मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है, अगर आप चाहें तो मोटी सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए सूजी जो है वो गोल्डन होने लगी है। आप चाहें तो इसमें कोई फूड कलर या फिर केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से घी छोड़ चुकी है। इससे ज्यादा भूनेंगे तो हलवा जो है वो काला पड़ जाता है, तो बस इतना ही भूनना है हमें। तो अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इलायची कूट करके रखी है, मैं ये डाल दूंगी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें 2 चम्मच बादाम बारीक कटे हुए। बादाम डालने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि बादाम काफी क्रंची हो जाते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। हलवे में बादाम और किशमिश बहुत अच्छे लगते हैं। बारीक कटा हुआ नारियल डाल देंगे और इसको भी कुछ सेकंड के लिए भूनना है। बस ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से भून करके रेडी है और ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हैं। इससे ज्यादा भूनने पर किशमिश जो है वो च्यूई हो जाएगी। तो अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही चीनी ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है चीनी डालने के बाद। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हलवे का कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और अब हम गैस को बढ़ा देंगे यानी कि फुल पर कर देंगे फ्लेम। अब हम इसे इसी तरह हिलाते हुए पका लेंगे। अब देखेंगे देखते ही देखते गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है। तो इसे पकने में कुल 5 मिनट का समय लगेगा। ध्यान रखें कि छींटे आप पर ना पड़े। ये देखिए इसे हाई फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं। हलवा बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम इसमें ये जो बचा हुआ 1 चम्मच घी था ये डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालेंगे। और इसको डाल करके भूनने से हलवे में चमक और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया आ जाते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। देखिए हलवा रेडी है। हलवे ने पैन की साइड छोड़नी शुरू कर दी हैं। यही कंसिस्टेंसी रखेंगे हम हलवे की। अगर हम इससे ज्यादा इसको भूनेंगे तो ये बाद में ड्राई हो जाता है। तो अब हम छोले बना लेंगे। ये देखिए छोले जो है वो बॉयल हो चुके हैं, हम चेक कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मैंने बाउल में निकाल लूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, यहाँ पर मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम ये उबले हुए चने। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 चम्मच चनों का पानी भी है, तो ये भी बहुत जरूरी डालें, अदरवाइज चने जो है वो बिल्कुल सूखे बन जाएंगे। तो ये चने डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक चनों में ऑलरेडी है, बॉयल करते हुए डाला था। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इन चनों को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो इसमें पानी है ये हल्का ड्राई ना हो जाए। तो हम इनको इसी तरह से 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। चनों पर मसालों की कोटिंग होने लगी है, थोड़ा सा और सुखाएंगे इसे। थोड़े से चने आप इस तरह से मैश कर सकते हैं ताकि थोड़ा थिक हो जाएगी ये जो कोटिंग है चनों पर। तो ये देखिए मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं और चने बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए तो चने बन करके रेडी हैं। गैस बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा हरा धनिया, इसको मिक्स कर देंगे।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ना। हलवा और छोले दोनों बन करके रेडी हैं, तो मैं दोनों सर्व कर लूंगी। देखिए किस तरह से एक एक दाना खिला हुआ है। तो आप भी इसी तरह से माता रानी का प्रसाद रेडी करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा। तो ये देखिए छोले और हलवा रेडी हैं। मैंने यहाँ पर हलवे पर थोड़े से बादाम से गार्निश किया है और यहाँ पर छोले रेडी हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, साथ ही हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। ये देखिए अजवाइन लेंगे और इसको इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि पूरी में इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1/2 छोटे चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मौन की जगह पर थोड़े से दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आटा लगाने के लिए 1/2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं दूध। दूध जो है इसमें चिकनाई का काम भी करेगा और डो को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने में हेल्प करेगा, जिससे कि पूरी सॉफ्ट बनती है और काफी लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहती है। तो ये देखिए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, जितना भी यूज होगा मैं आपको बता दूंगी। इसका जो डो है वो थोड़ा सा सख्त लगाना है रोटी से। अगर आप इसका डो ढीला रखेंगे तो पूरी बेलने के बाद फैलने लगती है और उतनी अच्छी फ्राई होकर के नहीं आती। सेमी स्टिफ डो होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं। तो ये देखिए सेमी स्टिफ डो हमने लगा लिया है। कुल यहाँ पर हमने 1 कप + 2 टेबलस्पून लिक्विड यूज किया है, जिसमें से 1/2 कप दूध था और 2 बड़े चम्मच पानी था। तो इस डो को 1 मिनट के लिए हम मसल लेंगे। तो ये देखिए डो मसल लिया है हमने। हल्का सा पानी का हाथ लगा देंगे ताकि डो सूखे नहीं और इसको कवर कर देंगे। मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रख दूंगी। उसके बाद मैं इससे लोई बना करके पूरी बनाऊंगी। डो को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये पहले से हल्का सा सॉफ्ट हो चुका होगा, तो डो को हल्का सा मसल लेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बन करके रेडी है। पेड़ी बनाने के लिए इस तरह से लॉग लेंगे, उसमें से जिस साइज की आपको पूरी बनानी होगी उस साइज की इस तरह पेड़ियां तोड़ लें, या फिर आप इसे चाकू से बराबर काट भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं नींबू के साइज की पेड़ियां बना लूंगी। बस ध्यान रखें कि जब आप ज्यादा सारी पूरियां बेलें तो उसको किसी कपड़े से ढक करके रखें ताकि वो सूखे नहीं। तो ये बाकी का डो मैं कवर करके रख दूंगी। तो पूरी की पेड़ी रेडी है, अब हम इन्हें बेल लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इस सरफेस को ग्रीस कर लेंगे हल्का सा, इससे पूरी चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम इस तरह से बेलन को भी हम हल्का ग्रीस कर लेंगे और अब पूरी को बेल लेंगे। ना तो हमें बहुत ज्यादा मोटी बेलनी है पूरी और ना ही बहुत पतली, इस तरह की पूरी बना करके तैयार कर लेंगे एक एक करके। इसी तरह से एक और पूरी बेल लूंगी, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और पूरी को इस तरह से बेल लेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 6 की 6 पूरियां जो है वो बेल ली हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा डो डाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है, इतना ही गरम चाहिए था हमें। तो अब हम इसमें पूरियां फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरी डालेंगे और इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए किस तरह से फूल रही है पूरी, उसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से पूरी पर कितना बढ़िया कलर आया है, किस तरह की फूली फूली पूरी बन रही है आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक और पूरी डाल करके सेक लेंगे। देखिए इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। जैसे ही ये पूरी फूलेगी हम दूसरी पूरी डाल देंगे साइड से, इसको भी हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए दोनों पूरियां फूल चुकी हैं, इसको पलट देंगे। देखिए एक तरफ से कलर आ गया है, तो अब हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे दूसरी पूरी को। ये देखिए ये पूरी सेक चुकी है दोनों तरफ से, तो इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की हेल्प से बिल्कुल खस्ता करारी और बढ़िया पूरियां बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लूंगी। बहुत ही बढ़िया और फूली फूली पूरी बनी है आप देख सकते हैं, और ये पूरी वाकई बहुत नरम मुलायम है। ये देखिए किस तरह की खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट पूरी बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये पूरी और कितनी पतली पूरी है आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज, बाय बाय, टेक केयर।